तो यार अभी जल्दी क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी स्पाइडर हेड का अनाउंसमेंट हुआ था और अब क्रिस इवांस की भी न्यू मूवी का ट्रेलर सामने आ गया है और ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पे ही जुलाई में स्ट्रीम होगी। भाई मुझे तो लग रहा है कहीं सारे एवेंजर्स नेटफ्लिक्स पे ही ना आ जाएं। खैर आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसी मूवी द ग्रे मैन के ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में और इसी कहानी किस टॉपिक पे है ये सभी चीजें डिस्कस करूंगा। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई मिस ना हो और यार मैं तुम लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसीलिए और देरी किए बिना अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूँ कि मूवी की स्टोरी के पीछे का इंस्पिरेशन क्या है। तो देखो यहाँ बात वही निकल के आती है जिसका मुझे डाउट था कि नेटफ्लिक्स की मोस्टली मूवी किसी बड़े मेजर इवेंट या फिर किसी बुक से इंस्पायर्ड होती हैं। ठीक उसी तरह द ग्रे मैन मूवी भी मार्क ग्रीनी नाम के एक नॉवेलिस्ट की लिखी हुई स्टोरी पे बेस्ड है जहाँ ईयर 2009 में मार्क ग्रीनी ने द ग्रे मैन नाम से बुक लिख के डेब्यू किया और उसके बाद इस बुक की एक पूरी सीरीज क्रिएट हुई जिसमें द ग्रे मैन ऑन टारगेट बैलिस्टिक डेड आई बैक ब्लास्ट गन मेटल ग्रे एजेंट इन प्लेस मिशन क्रिटिकल वन मिनट आउट रिलेंटलेस और सियरा सिक्स ये टोटल अभी तक 11 एडिशन रिलीज किए जा चुके हैं जिसमें ट्रेलर में तुमने सियरा सिक्स का भी जिक्र सुना होगा। द ग्रे मैन मूवी जो अभी जुलाई में नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगी ये मूवी इन्हीं बुक की स्टोरी पे इंस्पायर्ड है जिसे मैंने फिलहाल ये भी सुना है कि इस मूवी की स्टोरी 2010 में लिखी बुक ऑन टारगेट की स्टोरी के बाद की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी जिसमें मेन फोकस ग्रे मैन एके सियरा सिक्स एजेंट पे होगा। तो देखो बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी लाइन यानी प्लॉट के बारे में। तो एक्चुअली कहानी होने वाली है कोर्ट जेंट्री एके सियरा सिक्स एजेंट की जो एक फॉर्मर CIA एजेंट होता है और एक फ्रीलांसर मर्सनरी मतलब देसी लैंग्वेज में समझ लो कि सुपारी लेके गेम बजाने वाला। एक दिन अचानक कोर्ट जेंट्री को CIA के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में मालूम चल जाता है और उसी के बाद CIA जेंट्री के पीछे उसी के एक पुराने कलीग को उसके असैसिनेशन के लिए लगा देता है जिसका नाम है लॉयड हैंसन जो पहले हमें कैप्टन अमेरिका के नाम से पता था। लॉयड हैंसन थोड़ा नहीं बल्कि दिमाग से पूरा सटका हुआ है और अभी के लिए मेरे पास इसके कुछ प्लॉट लीक्स भी हैं पर फिलहाल मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से मूवी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है तो अगर तुमने स्पॉइलर ले लिए तो मूवी देखने का मजा ही नहीं आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग मूवी जरूर देखो जिसे कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। पहली बात तो देखो ट्रेलर से मुझे काफी पॉजिटिव उम्मीदें हैं और ऊपर से कास्टिंग भी काफी अच्छी है इंक्लूडिंग साउथ सिनेमा के धनुष जो इस मूवी का पार्ट है पर फिलहाल के लिए ट्रेलर से मुझे ऐसा डाउट है कि शायद धनुष का पार्ट इस मूवी में बहुत ज्यादा नहीं है मे भी शायद उतना ही हो जितना जफर भाई का फास्ट एंड फ्यूरियस में था। ऊपर से मूवी को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने जिसके बाद डायरेक्शन पे डाउट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो 2016 में क्रिस्टोफर मैक्यूरी इस मूवी को बनाना चाहते थे पर उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और 2020 तक मूवी होल्ड पे रही और फाइनली 2020 में प्रोजेक्ट रूसो ब्रदर्स के पास आया जिसमें जे रूसो ने तो इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में भी पार्ट लिया है। बाकी एक चीज ये भी है जिसके बारे में कहना चाहता था पर मैंने नहीं कहा जो है क्रिस इवांस की मूछ है जिसमें यार देखो मुझे तो वो एक नंबर के तूतक तूतिया लग रहे हैं पर मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि ऑलरेडी ट्रेलर में जेंटी ने ये बात कह दी है। चूतिया जैसी मूछों से लग रहा है कि तुम लॉयड हो। बाकी देखो मैंने तुम्हें एक लिमिटेड इंट्रो दे दिया है पर मेरे हिसाब से इस मूवी के आगे के भी सीक्वल बनेंगे अगर इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। फिलहाल मैं तुम लोगों से यही कहूंगा कि तुम ये मूवी मिस मत करना क्योंकि सभी इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। बाकी मूवी को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है ये तो 22 जुलाई को ही मालूम चलेगा। हालांकि कुछ प्लेसेस पे ये 15 जुलाई को थिएटर्स में भी रिलीज होगी पर अफसोस इंडिया में नेटफ्लिक्स ही एक सहारा होगा। अगर तुमने इसका ट्रेलर देख लिया हो तो मुझे कॉमेंट में बताना कि तुम्हें इसका बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना। बाकी मैं ऐसे फैक्ट रिव्यूज और वीडियोस लाता रहता हूँ तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडोस को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई मिलती स्टोरी के साथ तब तक के लिए बाय बाय।